नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके लर्निंग जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी सीजीएल और पीएससी में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों की प्रश्नोत्तरी का, जिसमें हम 500 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे, पार्ट वाइज कवर करेंगे और ये हमारा पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, हाइड्रोजन के जलने से क्या प्राप्त होता है? किसी भी चीज को जलाने से या जलाने के लिए हमको हवा चाहिए होती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, राख, मृदा या पानी। मैंने सवाल को जब एक्सप्लेन किया तो उसी में आपको क्लू भी दिया है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो वह पानी का निर्माण करेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पानी बनाता है, H2O जो पानी का फार्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है? यदि हम इन चार ईंधनों की बात करें, केरोसिन, हाइड्रोजन, कोयला और डीजल, तो इनमें से जो सबसे कम प्रदूषण करता है वो ईंधन कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। हाईली एक्सप्लोजिव गैस होती है और एक लिमिट के अंदर ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर भी रहती है। तो ये जो ईंधन है हाइड्रोजन, ये इन सभी ईंधनों से कंपैरेटिवली कम प्रदूषण करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? जल में जो स्थायी कठोरता होती है उसके कारण क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, ऑप्शन सी कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अगले सवाल पे जाएंगे तो अगला सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन से आपके 0, 7, 5.5, 8.5। तो शुद्ध जल, अशुद्ध जल जिसका पीएच मान 7 होता है, इसके ऊपर और नीचे क्षारीय और अम्लीय प्रवृत्तियां होती हैं 7 से, ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जब पूछा जाता है तो कितना हो जाएगा? 7। अगला सवाल है, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? गर्मियों में यूजुअली मिट्टी के घड़ा यूज किया जाता है पानी को ठंडा रखने के लिए, तो क्या कारण है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी संक्षेपण या ऑप्शन डी मिट्टी ठंडी रहती है इस कारण से जो पानी है वो ठंडा रहता है। तो इसका सही कारण है वाष्पीकरण। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसके जो रोम छिद्र होते हैं उसमें क्या होता है, जो पानी है वो वाष्पीकृत होता रहता है, तो जिससे क्या तापांतर क्रिएट होता है और पानी का जो ताप है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? ऑप्शन से आपके टिन, जिंक, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो जो इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु है वो है जिंक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे जाएंगे, मधुमेह का कारण कौन सा तत्व है? मधुमेह डायबिटीज का कारण जो है वो कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हिस्टामिन या ऑप्शन डी इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है यह मधुमेह का मुख्य तत्व होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? अगर हम इन चार ऑप्शंस की बात करें तो मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए डहलिया की जड़ों से, ऑप्शन सी बलसम के फूल से, ऑप्शन सी आलूकंद से या ऑप्शन डी अदरक से। तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डहलिया के जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी से भरी बोतल को जमाते हैं तो वह टूट जाती है। यूजुअली अब अगर पानी से भरी बोतल को जमा देते हैं तो क्या होता है, वो क्रैक हो जाती है, वो टूट जाती है। कांच की बोतल होगी या स्टील की बोतल होती है, प्लास्टिक की बोतलें फट जाती हैं, तो उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन से आपके पानी ठंडा होने पर फैल जाता है या बोतल सिकुड़ जाती है, ऑप्शन सी बोतल में तापांतर उत्पन्न होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, या ऑप्शन डी पानी गर्म करने पर फैलता है।
तो जब हम पानी को जमाते हैं तो क्या होता है कि ठंडा होने पर वह फैलता है, इस वजह से जो बोतल है वह टूट जाती है या फूट जाती है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे जाएंगे तो अगला सवाल है, भारी जल किसका कार्य करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो भारी जल का प्रयोग करते हैं, भारी जल जिसका फार्मूला D2O होता है, तो इस ये किस रूप में प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में? ऑप्शन से आपके कूलेंट, मंदक, अयस्क या ईंधन। तो भारी जल मंदक के रूप में यूज किया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारी जल की खोज किसके द्वारा की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है, भारी जल D2O की खोज किसने की? तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए HC उरे, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी मेंडले या ऑप्शन डी प्रीस्टले। तो भारी जल की खोज HC उरे के द्वारा की गई। अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करती है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स से किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं? ऑप्शन से आपके पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान कौन सा पीयूष हार्मोन निर्मुक्त होता है? तो अभी जो पिछला सवाल था इससे कोरिलेट करिए, देखिए क्या लिखा है, कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करती है? तो क्या ऑप्शन है, पीयूष ग्रंथि। तो अगला सवाल क्या है, प्रसव के दौरान कौन सा पीयूष हार्मोन निर्मुक्त होता है? तो पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन जो है निर्मुक्त कर रही थी, ऑक्सीटॉक्सिन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीटॉक्सिन है ये प्रसव के दौरान निर्मुक्त होने वाला हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है? यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है? ऑप्शन से आपके कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन या ऑप्शन डी मल्टी प्रोटीन। तो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन्स क्या है? फैटी एसिड्स हैं या पेप्टाइड है या स्टेरॉल है या ग्लाइकोलिपिड है? तो जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो ग्लाइकोलिपिड होते हैं, क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध पानी से पीने का पानी भारी मात्रा में किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? अशुद्ध पानी से पीने का पानी जो बनता है भारी मात्रा में वो कौन सी प्रक्रिया है, डिसेलिनेशन या आसवन या आयन विनिमय या निस्तारण? तो डिसेलिनेशन जो है यह वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि अग्नाशय विकृत हो जाए? यदि अग्नाशय विकृत हो जाएगा तो निम्न में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाचन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ऑप्शन बी इंसुलिन और ग्लूकाइन का गठन नहीं होगा, ऑप्शन सी रक्त का बनना बंद हो जाएगा या ऑप्शन डी हृदय गति कम हो जाएगी। तो अग्नाशय के विकृत होने से इंसुलिन और ग्लूकाइन का गठन नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? बहुत ही सरल सवाल है, आयोडीन युक्त हार्मोन ऑप्शन से थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन और टेस्टोजेन। तो इसका सही आंसर है थायरॉक्सिन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि सबसे लचीली है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि सबसे लचीली है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या किडनी? तो जो सबसे लचीली, सबसे फ्लेक्सिबल ग्रंथी है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों, 500 विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में जिसमें हम बात कर रहे हैं SSC CGL और PSC में पूछे जाने वाले विज्ञान के सवालों की, आज का हमारा पहला पार्ट था, पार्ट टू आपको नेक्स्ट बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। हमारे अन्य वीडियोस आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त करके देख सकते हैं, जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं डिटेल में। अगर आप किसी अन्य वीडियोस की श्रृंखला चाहते हैं आप हमें कमेंट करें। पीडीएफ पाने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन है वहां के लिंक फॉलो करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।